हेलो किड्स, वेलकम यू टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई करना शुरू कर दिया आपने? अभी बीच में बहुत दिन आपकी मस्ती हो गई, चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज आपके जीके के पीरियड में हम पढ़ेंगे बर्ड्स। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, आज आपका दोबारा से मैं करवा दी हूँ, आपका रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आपका है पिकॉक। पिकॉक जो मैंने मोर, देख रहे हैं आप, पिकॉक देखने में बहुत सुंदर होता है, ये पक्षियों का राजा भी कहलाता है। पिकॉक जब अपने पंख फहराता है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। जब बारिश होती है तब ये खुश होकर नाचता है। तो देख रहे हैं आप, पिकॉक का होता है पी हेन, जो मोरनी कहलाती है। यानी कि पिकॉक की स्पेलिंग है पी ई ए सी ओ सी के। नेक्स्ट है बच्चों हैन, देख रहे हैं आप, हैन मतलब मुर्गी। आपने अपने आसपास बहुत सारी मुर्गियाँ देखी भी होंगी, मुर्गियाँ दाना खाती हैं, है ना, और सुबह मुर्गी उठ के बांग लगाते हैं, जिससे पता लगता है कि सवेरा हो गया। उसके बाद देखिए क्रो, क्रो है कौआ। कौआ कैसे बोलता है? काओ 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 बोलता है ना, काओ काओ। तो क्रो की स्पेलिंग है सी आर ओ डब्ल्यू, ठीक है। अपने अपने घर के आसपास दिखा होगा, ये ब्लैक कलर का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पैरेट। पैरेट मतलब तोता। पैरेट की स्पेलिंग है पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट। पैरेट हम लोग घर में पालते भी हैं, बहुत सारे बच्चों के घर में पैरेट होगा। और कैसे बोलता है पैरेट? मिट्टू मिट्टू बोलता है ना। फिर ये देखिए है स्पैरो। स्पैरो माने गौरैया। ये आजकल कम दिखाई देती है क्योंकि ये लुप्त हो गई है, पहले ये बहुत नज़र आती थी। स्पैरो की स्पेलिंग है एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो। और नेक्स्ट है बच्चों डक। डक मतलब बतख। बतख देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर लग रही देखने में। तो डक की स्पेलिंग है डी यू सी के, बहुत सिंपल सी है स्पेलिंग डक। फिर है आपका आउल। आउल देख रहे हैं आप, कहते हैं आउल को रात में दिखाई देता है, जैसे रात में हम लोग देख नहीं सकते लेकिन इसको दिखाई देता है। और आउल अपनी चारों तरफ गर्दन घुमा सकता है, देख रहे इसके आगे कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो आउल की स्पेलिंग है ओ डब्ल्यू एल। फिर देखिए पीजन। पीजन माने कबूतर, है ना, दिख रहा है कबूतर, आप सबने देखा है ना अपना। तो पीजन कैसे बोलता है, कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू गुटरगू। और पीजन की स्पेलिंग है पी आई जी ई ओ एन, पीजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा बच्चों पेंगुइन। देख रहे ना पेंगुइन, पेंगुइन कैसे खड़ी होती है, अपने दो पाँव पे खड़ी होती है। लेकिन पेंगुइन को आपने देखा नहीं होगा क्योंकि ये वहाँ होती है जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, तो वैसे स्थान पे ही पाई जाती है। तो पेंगुइन की स्पेलिंग है पी ई एन जी यू आई एन, पेंगुइन। उसके बाद देखिए बच्चों ये है कीवी। कीवी हमारा न्यूजीलैंड में मिलता है, न्यूजीलैंड देश में मिलता है, यह इंडिया में नहीं पाया जाता है। और कीवी देखिए किस तरह से उनका पक्षी है कि बहुत अलग है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है। और कीवी की स्पेलिंग है के आई डब्ल्यू आई, कीवी। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? बर्ड्स नेम पढ़ा, ठीक है। तो चलिए हम बर्ड्स नेम को जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला है आपका पिकॉक। पिकॉक का मतलब मोर। नेक्स्ट है आपका हैन। हैन का मतलब मुर्गी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रो। क्रो मतलब कौआ, जो कि ब्लैक कलर का होता है। फिर पैरेट। पैरेट ग्रीन कलर का होता है, पैरेट माने तोता। उसके बाद आपका है स्पैरो। स्पैरो का मतलब गौरैया। फिर नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन को पेंगुइन ही बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउल। आउल मतलब उल्लू, जो कि रात में देख सकता है। फिर है आपका डक। डक मतलब बतख, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कीवी। कीवी को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कीवी ही बोलते हैं। और लास्ट है हमारा पीजन। पीजन माने कबूतर। तो आज का क्लास खत्म।